साथ सबका विकास और सबका विश्वास। लोकसभा चुनाव जीतने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह नया नारा दिया है। हालांकि इसमें सबका साथ सबका विकास नारा मोदी पहले ही दे चुके हैं, इस बार उन्होंने इसमें सबका विश्वास शब्द भी जोड़ दिया है। यह नारा जमीनी स्तर पर तभी चरित्रार्थ हो सकेगा जब सभी सांसद अपने क्षेत्र के लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। बहुत से सांसद ऐसे भी हैं जो पहली बार चुनकर आए हैं। ये सभी जनप्रतिनिधि अपने निर्वाचन क्षेत्र का कायाकल्प किस तरह कर सकते हैं, इस विषय पर पूर्व महिला IAS अधिकारी डॉक्टर अरुणा शर्मा ने एक किताब लिख दी है। इस किताब में बहुत ही सरल भाषा एवं सामान्य भाव से बताया गया है कि जनप्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्र की तस्वीर कैसे बदल सकते हैं। इसके लिए ना तो अतिरिक्त बजट चाहिए और ना ही संसाधन। मौजूदा व्यवस्था में यह लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। बता दें कि डॉक्टर अरुणा मध्य प्रदेश क्वार्टर की 1982 बैच की IAS अधिकारी रही हैं। वे पिछले साल भारत सरकार के स्टील महकमे में बतौर सचिव पद से रिटायर हुई हैं। इससे पहले वे इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विभाग की सचिव भी रही थी। उन्होंने मध्य प्रदेश में भी कई उच्च पदों पर काम किया है। जनप्रतिनिधियों के लिए उन्होंने जो किताब लिखी है उसका नाम आप अपने निर्वाचन क्षेत्र का किस तरह कर सकते हैं कायाकल्प है। डॉक्टर अरुणा कहती है यह देखने में आया है कि जनप्रतिनिधियों को अपने निर्वाचन क्षेत्र के विकास और प्रगति के लिए विभिन्न स्तरों पर योजना बनाने, उसे अमल में लाने व उसकी प्रगति पर नजर रखने में कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। चुनाव जीतने के बाद उनके सामने सबसे पहली चुनौती यह होती है कि अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए उन्होंने जो वादे किए हैं उन्हें कैसे पूरा किया जाए। कई बार जनप्रतिनिधियों को यह असमंजस रहता है कि शुरुआत कहां से हो, या भी ध्यान रखना है कि सभी जगहों पर समान रूप से विकास हो और वह भी तय समय में। आपने देखा होगा कि मीडिया में कई बार ये रिपोर्ट छपती है कि फला इलाके में MP अपनी सांसद विकास निधि का इस्तेमाल नहीं कर पाए, इतने सांसदों की विकास निधि का पैसा वापस चला गया। सांसद विधायक पार्षद और सरपंच इस किताब की मदद से केवल 2 माह में अपने क्षेत्र की विकास प्रक्रिया को समझ सकते हैं। डॉक्टर अरुणा के मुताबिक इस किताब में बहुत ही सामान्य भाव से यह बताया गया है कि कोई भी सांसद या विधायक खुद ही अपने क्षेत्र का विकास चार्ट तैयार कर सकता है। जनप्रतिनिधि प्राथमिकता के आधार पर अपने लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं। 127 पन्ने वाली इस किताब में कुल 7 अध्याय हैं। पहले अध्याय में स्मार्ट गांव या मोहल्ला बनाने का प्रयास, दूसरे अध्याय में अभाव को कम करने के लिए नई निधि, हमें परिणाम चाहिए, तीसरे अध्याय में अभिसरण विधि दुष्चक्र से सुचक्र तक, चौथे में समग्र परिवार डेटाबेस का निर्माण, पांचवे में कायम रहने वाली आजीविका न्यूनतम वेतन से आधिक्य तक, छठे अध्याय में समृद्धि कार्य प्रणाली समृद्धि के लिए गतिशील चक्र और सातवें अध्याय में आप समावेशी विकास के लिए एक गेम चेंजर शामिल है। इन अध्यायों में सभी विषयों को समेटा गया है, स्वास्थ्य और शिक्षा से लेकर खेती किसानी व सड़क परिवहन सब पर कैसे काम होगा यह जानकारी विस्तृत रूप से दी गई है। डॉक्टर अरुणा बताती हैं कि किताब को लेकर जल्द ही वे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मिलेंगी। तो दोस्तों आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही हमारा अगर आपने अभी तक YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, पास में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। जुड़े रहें दस्तक 24 के साथ। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं।